अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और एक नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। तो मैं बना रही हूँ मसूर की दाल, तो हमारे पास निकली हुई नहीं है, तो चलिए बॉक्स को कर लेते हैं रिफ़िल। और ये छिलका उतरी हुई मसूर की दाल है। तो ये मैं क्यों बना रही हूँ, ये मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि कीमा बचा हुआ था उसमें डाल दूँगी। तो देखिए मैं इसको निकाल ही रही थी कि इतने में ना वीडियो बनाने के चक्कर में, आप लोगों के चक्कर में ये पूरी गिर गई है। मेरा काम बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। अब पहले इसको क्लीन करते हैं फिर उसके बाद बनाएंगे। तो इसको पूरा साफ़ कर लेते हैं। और सिद्रा बोल रही है कि मम्मा ये क्या कर दिया आपने, वो मेरे पास खड़ी हुई है। तो मैं उसी को बोल रही हूँ कि तुमने करवा दिया है, जैसे सब मम्माएँ बोलती हैं अगर बच्चे पास भी खड़े होते हैं तो। तो अब इसको हम कर लेते हैं सारे को क्लीन। और सिद्रा आप लोगों को बोल रही है हाय हेलो, और ये कुछ बना के लेके आइए, देख लीजिए आप और थोड़ी सी उसकी तारीफ़ कर दीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट्स कर दीजिए जो मैं उसको दिखा दूँ और वो भी खुश हो जाए। अच्छा बोल दीजिए, कम से कम लाइक कर दीजिए इसको। तो चलिए फिर बनाते हैं दाल। तो ये दाल ले ली है मैंने, इसको वॉश कर लूँगी। कल का कीमा बचा हुआ रखा था, उसमें से आलू अलग निकाल दिए हैं, जो भी एक दो बचे थे, कीमा ज़्यादा बच गया है तो मैं इसमें मिला लूँगी। कीमा दाल, मसूर की दाल कीमा बहुत अच्छा लगता है। हम जिस एरिए में मैं रहती हूँ यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा खाया जाता है। तो इसमें मैंने क्या किया है, कीमा, दाल, पानी, टमाटर, हल्दी, मिर्च हल्की सी, और ये सब डालकर मैं इसको बनने के लिए रख दूँगी। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस सीटी आ जाएगी और ये बनकर तैयार हो जाएगी। ऊपर से मैं बहुत सारा हरा धनिया, हरी मिर्च ये सब डाल दूँगी। और सुबह की भी तैयारी कर लेते हैं, आटा गूंथ कर रख देते हैं। तो बच्चे तो दाल, कीमा दाल जो बनी है उसके साथ खाएंगे राइस, और मेरे हस्बैंड जो हैं वो खाएंगे रोटियां। तो आज शाम में मैं सब्जियां भी लेकर आई थी और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ, जो सब्ज़ी लाई हूँ अब इसको लगाना है, तो ये बहुत बड़ा काम है। और दूसरी साइड बन रहे हैं मेरे राइस, तो मैं ना बॉयल करके ही बनाती हूँ। उसका पानी निकाल दूँगी अभी और फिर इसको दम में दे दूँगी। तो ये वाले राइस जो है ज़्यादा नुकसान नहीं देते हैं और हम लोग ज़्यादा राइस ही खाते हैं। तो देखिए दाल भी बनकर हो गई है तैयार, खूब सारा हरा धनिया इसमें मैंने डाल दिया है, हरी मिर्च भी डाल दी है। हरी मिर्च कम डाली है क्योंकि बच्चे ज़्यादा हरी मिर्च नहीं खाते हैं, निकाल देंगे सब, साइड साइड में रख देते हैं। तो मसूर की दाल कीमा मुझे बहुत अच्छा लगता है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अब वेट कर रही हूँ मैं खाने का, तो जल्दी से राइस बन जाए और फिर हम डिनर। तो अब नेक्स्ट डे क्या है, नेक्स्ट डे मैंने बच्चों के लिए बनाए हैं नाश्ते में सैंडविचेस, और बच्चे एक एक खा कर गए हैं और स्कूल लेके गए हैं। मैंने बोला बताओ कितने खाने हैं, कि मम्मा हमारी फ्रेंड्स के लिए भी बना दीजिएगा। मैंने बोला ठीक है फ्रेंड्स के लिए भी बना दूँगी। फिर उसके बाद कर लिया मैंने नाश्ता, बच्चों को ये छोड़ के आ गए और फिर हम दोनों ने किया नाश्ता। तो हमने यही खाया था, ब्रेड और एग। उसके बाद थोड़ा सा मैंने अपना स्किन केयर कर लिया, मैंने किया होममेड फेशियल, मतलब सारी चीज़ें घर की थी, ये तो मैं स्क्रब कर रही हूँ। तो थोड़ा सा टाइम मैंने अपने आप को भी दे दिया। टमाटर और चीनी से मैंने कर लिया था स्क्रब, उसकी भी मेरे इंस्टा पे जाके देखिए, पूरी रील है किस तरह से मैंने किया। तो अब बनाऊंगी मैं लंच के लिए मटर पुलाव। तो सबसे पहले ले लिए मैंने मटर, इसको वॉश कर सारा पानी इसमें से निकाल के मैंने इसको रख दिया था। फिर ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है। जब मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ मैं, जब ऑयल ना पक जाएगा अच्छी तरह से, जब हमें प्याज डालनी है। प्याज को कर लेंगे हल्का सा फ्राई, फिर ये सारे गर्म मसाले निकाल कर रख लेती हूँ। और मैं जो बनाऊंगी मटर पुलाव, नए चावल जो होते हैं उनका बनाऊंगी। तो उसके अंदर जो एक चिपचिपापन होता है ना, वो बहुत अच्छी लगती है, बहुत अच्छा लगता है मटर पुलाव नए चावलों का। फिर जब प्याज हो जाएगी फ्राई, तो उसके बाद डाल देंगे हम इसमें हरी मिर्च, फिर डालेंगे इसमें अदरक। और आप लोगों को कैसे लग रहे हैं मेरे व्लॉग्स बताइए। तो मैं मेहनत तो पूरी कर रही हूँ, अब आप लोगों को भी मेरा सपोर्ट करना है और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और लाइक करना है। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी फ्राई, तो इसमें हम डालेंगे मटर, मटर को भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे, फिर टमाटर डालेंगे। पता है टमाटर पहले क्यों नहीं डालेंगे, फिर टमाटर पहले डाल देंगे तो जो मटर पुलाव बनाएंगे ना हम, तो उसका कलर ना वाइट वाइट चावल नहीं रहेंगे। तो बस ये हल्के से, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है टमाटर डालने के बाद। और अब डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, एक साथ पिसा हुआ था, और ये है सौंफ, पिसी हुई सौंफ पाउडर। और इसे डालते ही ना इतनी अच्छी खुशबू हो जाती है पूरे घर में, बहुत अच्छी खुशबू होती है, पता चल जाता है कि हाँ अब ये बन रहा है मटर पुलाव। फिर उसके बाद जितना हमने राइस लिए हैं उसके अकॉर्डिंग डाल देंगे पानी। मैंने एक, मेरे पास एक मग है मेजरमेंट के लिए, वो लिए हैं, तो उसका, उसी के अकॉर्डिंग मैंने डाल दिया पानी। कुकर में बनाती हूँ तो जैसे एक गिलास अगर राइस है तो डेढ़ गिलास में डालती हूँ पानी, ये मैं आपको बता देती हूँ।
और बहुत अच्छे बनते हैं। और ये जो रात की दाल बची हुई है इसको कर रहे हैं हम गरम, किसी को खानी होगी तो ये भी खा लेंगे, वरना मटर पुलाव तो है फ्रेश, दो चीज़ें हो जाएंगी तो ज़्यादा बेटर है। तो इसको भी गरम कर लेते हैं, और उसके बाद पानी हो गया है शायद गरम, तो इसमें डालूंगी मैं राइस। और मेरे बच्चे अभी स्कूल से नहीं आए हैं, तो जब तक वो स्कूल से आएंगे जब तक ये भी बनकर हो जाएगा तैयार। और आज फ्राइडे था तो बहुत सारे काम थे, बहुत सारी सूरतें पढ़नी थी, फिर नमाज से भी फ्री हुई, अब सब चीज़ों से मैं फ्री हूँ। अब सीटीज में आएगी और राइस बनकर हो जाएंगे तैयार। चटनी भी मैंने पीस ली है, ग्रीन वाली चटनी मैंने पीस ली है, वो इसके साथ अच्छी लगती है। तो देखते हैं कैसे बने हैं। तो ये बनकर हो गए हैं तैयार। अब आप लोग बताइए, मुझे कमेंट्स में बताइए प्लीज़ आप लोग के कैसे बने हैं राइस, देखकर कैसे लग रहे हैं। तो उसके बाद अब आए हैं हुसैन, और ये मुझसे बोल रहा है कि मम्मा मुझे खाना है चॉकलेट ब्रेड। तो मैं बोल रही हूँ अच्छा ठीक है चलो मैं आपको देती हूँ। वो जो चॉकलेट स्प्रेड आता है ना, तो वो उसे ब्रेड पर लगा कर चाहिए खाने के लिए, तो अब मैं उसे खिला देती हूँ, वरना वो मुझे परेशान करता रहेगा। तो देखिए ये अब मैं इसको लगाऊंगी, पूरे ब्रेड पे स्प्रेड कर दूंगी, और बच्चे ये शौक से खाते हैं। मैं हमेशा नहीं लेके आती हूँ, कभी कभी लेकर आती हूँ, क्योंकि अभी क्या है मैं अंदर रूम में जाऊंगी और बड़ी वाली है जो बेटी है ना मेरी, वो ऐसी स्पून से खा जाती हैं इसको। एक बॉक्स में तो कुछ नहीं होता है इन लोगों का, दो तीन उठाती हैं और वो चार पाँच दिन में सब ख़त्म कर देती हैं। तो इसलिए मैं कभी अलाउ करती हूँ इनको, मंथ में एक दो बार लेके आ जाओ बस। तो अब मैं इसको खिलाने जा रही हूँ, और खाते ही देखो ये बड़ी इसका मूड हो रहा है डांस करने का। अब उमरा सिद्रा भी आ गई हैं, तो अब हम करेंगे लंच, और आप जल्दी से कर दीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब।